नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप महाशिवरात्रि वाले दिन जरूर करना। यदि किसी कारणवश आप महाशिवरात्रि वाले दिन ना भी कर पाए तो आप सोमवार सोमवार इस उपाय को करना शुरू करें। दुनिया आप देखें दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना मिले। नेम फेम सब कुछ मिलेगा, जमाना आपके सामने सर झुकाएगा, आपको सलाम मारेगा। बहुत ही साधारण उपाय है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। हाँ, जब भी आप इस उपाय को करें, आप बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद करें। आपने देखा होगा दोस्तों, कई एक ऐसे मंदिर है जहाँ सिर्फ इसी चीज की मान्यता होती है कि मेरा यदि ये काम होगा तो इस मंदिर की मैं सफाई करूंगी। आप देखना, कई मंदिर ऐसे जहाँ बड़े बड़े करोड़पति लोग भी आते हैं और सिर्फ मंदिर की सफाई करते हैं, है ना? तो मंदिर की सफाई कोई साधारण बात नहीं है। आप देखना, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में आप देखोगे, भादरवी पूनम है, भादो महीना में जो पूनम आती है उसमें लोग ध्वजा लेकर के जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो रास्ते में ढेरों टेंट लग जाते हैं, उन्हें नाश्ता पानी दिया जाता है, उनके पैर दबाए जाते हैं, उन्हें बिठाया जाता है, जो यात्री हैं उन्हें चाय पानी दिया जाता है, छाछ पिलाई जाती है, मठा दिया जाता है, मतलब इस तरीके से यात्रियों की सेवा की जाती है। क्यों? क्योंकि वो तमाम लोग यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा पर जाते हुए इंसान के पैर की जो रजकण है उसको आप छूते हैं, उसको साफ करते हैं, तो आपके जीवन में जो दरिद्रता है वो हमेशा के लिए चली जाती है। यात्रिकों के पैर दबाने से आपके शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप देखना, ये रिवाज में भी है, जब कोई व्यक्ति यात्रा करके आता है तो समाज के लोग जाते हैं उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो जिस जगह गया होता है वहाँ की ढेरों पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर में लेकर के आया होता है, तो उस समय उस व्यक्ति के दर्शन करने मात्र से भी आपके अंदर पॉजिटिव चीजों का वास होता है और आपको पुण्य मिलता है। इसलिए जब कोई यात्रा करके आता है तो लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। ऐसे ही जो लोग मंदिर की सफाई करते हैं, कोई भी मंदिर हो, अब तो ज्यादातर लोग पैसे लेकर के काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल फ्री में यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं और उसमें झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो वो तमाम भक्तजन जो उस मंदिर में आ रहे हैं पूजा करने के लिए, उनके पुण्य फल को आप ले लेते हैं, उसका कुछ अंश आपको मिलने लग जाता है। तो इसलिए आप देखना, बड़े बड़े मंदिरों में लोग साफ सफाई का काम करते हैं। मंदिर में हमेशा जो डोरमेट से वो दान में देनी चाहिए, ऐसा करके भी आप तमाम प्रकार के पुण्यों के भागी बन जाते हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन दोस्तों, जो शिवालय का गर्भगृह है जहां शिवलिंग होता है, यदि आपने महाशिवरात्रि वाले दिन जा करके और गर्भगृह को धोया, साफ सफाई की मंदिर की, आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं तमाम तकलीफें दूर होंगी, तमाम इच्छाएं पूरी होंगी, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नेम फेम दोनों बढ़ेंगे। तो महाशिवरात्रि वाले दिन आप इस उपाय को करें। यदि आप महाशिवरात्रि वाले दिन ना कर सके तो फिर सोमवार सोमवार करें और देखें किस्मत चमक उठेगी। महाशिवरात्रि वाले दिन इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि आज के दिन भक्तों का ढेर लगेगा मंदिर में और शिवजी का दिन है, शिवजी की कृपा प्राप्त करने का साल में सिर्फ यही एक महाशिवरात्रि का जो दिन है बहुत पावरफुल दिन होता है। आज के दिन यदि आप इस उपाय को करेंगे तो हमेशा भगवान शिव की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और आपकी तमाम इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी। इस कार्य को जरूर करें। जय श्री कृष्ण।